आओ पर कबीरा मेरे मुसलमान पायो किस्म किसना बेतलहाओ जितो सिहाबी ने आके हिलाया ते वे क्या सारे जिस्म दे तीरी तीन सारे जिस्म नहु लुहाने एक तो मेरे आका उठ पेने मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ तलहा मेरे बेटे तू मैनू उठाना सी ते मैनू दसना ते सही सी अर कर दे सोनिया मैं नहीं सचांदा एक लम्हा ए अखे चेहरे तो दूर हट जावे पता नहीं जिंदगी ने अगो चेहरा मैनू नसीब करना के नहीं करना सोनिया मेरे लजपाला मैं एक लम्हा भी तुहाडे चेहरे तो दूर नहीं सौना चाहता ते मेरे दोस्त ऐसे जिस्मत तीरा दी वजह तो इतने ज्यादा जख्मी हो गए कि जख्मी हो के जो डिग पैल मेरे आका ने फरमाया तलहा बोल ओ मेरे गुलाम बोल तेरी मैनू जिंदगी नहीं चाहिदी दुनिया का मालो मता नहीं चाहिदा मेरे दुनिया दिया बहारा नहीं चाहिए बस एक ही कागज तलहा दस दे सही केड़ी कागज तलहा रो के अर्ज कर दे सोनिया सांस निकलन वाले ने सांस खत्म होने वाले ने मैं चाहना है मेरी जिंदगी दे आखिरी सांस तुहाडे कदमां दे उत्ते सिर रख के निकल जा पहले ये पता तो करो ना कि परनाला ये नक्शे दे नाल लगा सी के बगैर नक्शे दे लगा सी हैं वो नहीं ना कोई अपनी मर्जी दे नाल जरा एक बिल्डिंग अपना त्रै मंजिला बिल्डिंग ने दो मंजिला बिल्डिंग लिख दिता ते अपनी मर्जी दे नक्शे बनवा ले वो सब कुछ उथे ही सी कह लगे पहले पूछो तो सही ना कि ये नक्शे वाला सी के बगैर नक्शे दे ते मैं नहीं कहना अबू हुरैरा नु बुला के ल्याओ अनस बिन मालिक नु बुला के ल्याओ हाय हाय तेरा अबू हुरैरा सरकार दा गुलाम जिन्हें इस उम्मत को सब तो ज्यादा हरीसा दिखियां हैं कि सरकार को पढ़ने वाला थे अनस बिन मालिक सरकार को बचपन गुजारने वाला हुजूर दा सहाबी हुजूर ना प्यार करने वाला किस वक्त दोनों सहाबी आए ते हजरत अब्बास बोले कह लगे जी इन्हां नु दसो इन्हां नु दसो कि एक परनाला जेड़ा लगा है ना एक किन्ने लाया हाय हाय ए गल जी दो कीती ते जनाबे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रो पे रोक के ने यारो की पूछ दे ए परनाले नु किन्ने लाया है कह लगे एक दिन मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल हाजिर सन मैं काका दी बारगाह ते हाजिर सन कुछ गुलाम भी हाजिर सन मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल साडे सामने बैठ के बड़े नु बुलाया परनाला बनाया ते परनाला बना तो बाद आपके चाचा अब्बास भी कोल सन आका ने परनाला बना तो बाद फरमाया मैं परनाला चाचे दे बनेरे दे आप ही लावांगा आप ही परनाला लावांगा मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हत्था दे नाल मिट्टी बनाई मिट्टी दे अपने हत्था दे नाल पानी पाके गारा बनाया ते गारा बना के मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका कहंदे ने पीछे हट जाओ अपने हाथा दे नाल पन्ना ना लावांगा एक सिहाबी थल्ले खलोता है मेरे आका ओदे कंधियां ते पैर रख के उत्ते चढ़े ने कुछ रवायतां दे अंदर मेरे करीम आका इस वक्त करीब होए ते पन्ना ना खुद ब खुद थल्ले आ गया पन्ना ना खुद ब खुद थल्ले आ गया मेरे आका ने अपने यतुल्ला वाले हत्था दे नाल ए परनाला लाया सी अपने मुबारक हत्था नाल परनाला लाया सी ओ मुसलमानों ए गल जदो बयान कीती हजरत अनस बिन मालिक दियां हिचकियां बंद गईयां सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिता सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिता अनस बिन मालिक फिर बोले कहंदे ने उमर सिर्फ ए नहीं नहीं मैं वेखिए कि जदो मेरे आका परनाला ला रहे सन मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी
मुबारक ताड़ी मुबारक दोते एक कारे दे छिटे पैदे जाते सन पानी दे कतरे पैदे जाते सन ते मेरे आका नाल मुस्कुराते सन नाल परनाला लाते सन जरा पे उमरे फरूक चीखा निकल जाया ने रो के कहते ने काजी साहब मैं मुकदमा हार गया मैं गुनाकार मैं मुजरम मैं सजा का हकदार हूं मैनू सजा मिलनी चाहिए ओ जेड़े परनाले नू मदीने दा ताजदार अपने हाथों के नाल लावे मेरी की औकात उमर उस परनाले नू उतार देवे फैसला सुनाओ अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए जिस वक्त परनाला कह लगे कि सरकार दी सूरत हाल ऐसी हजरत फारूक आजम कह लगे फिर तुसी फैसला सुनाओ लेकिन मेरीयां कुछ गुजारिशात में अगर कबूल कर लो तो मैं मेहरबानी होगी हाथ बन के हाथ जोड़ के मेरे कुछ गुजारिशात में अगर कबूल कर लो तो मैं समझागा कि चलो मेरा भी हिस्सा पै गया कह लगे कि शर्त दे वे कि मैं गारा भी आप ही बनावांगा गारा भी आप ही बनावांगा ते परनाला भी आप ही लावांगा ते जिस वक्त गारा लगे ना बनाने ते हजरत अनस बिन मालिक ने कहते हैं मुझे 100 मेरे आका कितने बह के गारा भी बना दे मेरे आका कितने बह के गारा भी बना दे दस्या जी ऐस जगह ते आका गारा बना रहे आप उस जगह ते बह के कहने 100 सरकार बैठे कैसे मेरे आका जी तो गारा बना रहे सन ते मेरे आका बैठे किस तरह सन एक सरकार ऐस तरीके ना बैठे सन ओ वास सबके जावा है सहाबा दे ओ सुवर्दी आवास का तो कुर्बान जावा है ओ जिन्ना पैर दी सुन्नत भी ना छड़ी अज असी दाड़ी जैसिया सुनता नारियां रोल दिता असी शाह असर दिया सुनता जनाब असा छड़ दिता सियाबा की मोहब्बत देखो एवे प्यार एवे मोहब्बत दसो सरकार बैठे कहे सन आप उस तरीके बैठे फरमाया सरकार गारा कंज बना रहे सन पानी कि ना लिया सारी चीजों का बंदोबस्त करके हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मेरे दोस्तों गारा बना रहे ने नाल रोंदे जा रहे ने नाल गारा बनाते जा रहे ने नाल परनाला जनाब जिस वक्त गारा बना के परनाला नाल लगे परनाला नाल लगे ते मेरे दोस्तों जिस वक्त उत्ते हुए ते परनाला ला दिया हां हजरत फारूक आजम बोले कहंदे ने यारो ए मेरे भाई रसूल मालिक ए मेरे भाई अबू हुरैरा ए सरकार दे चाचा हजरत अब्बास तुसी उस वक्त कोल मौजूद सो असा इज करो तुसी फरमा रहे हो सरकार जदों परनाला लांदे सन आपकी रीश मुबारक आपकी रीश मुबारक ते गर्द पैंदी सी आपकी दाढ़ी मुबारक ते गर्द पैंदी सी ते इज करो एक गर्द मैनू नहीं पै रही थोड़ा जा गारा पकड़ो मेरे सिर ते सड़ देवो मेरी दाढ़ी ते मल देवो ताकि मेरे आका दी ए सुन्नत भी पूरी हो जावे मेरे आका दी ऐ सुन्नत भी पूरी हो जावे ओ मेरे भाईया ओ मेरे दोस्त इनू कहंदे नहीं मुसलमानी ओ इनू कहंदे नहीं सही गुलामी ओ इनू कहंदे नहीं हुजूर दी नौकरी ए ने ओ लोग जिन्ना दे बारे अल्लाह फरमांदा युहिब्बुकुमुल्लाह ए ओ लोक ने जिन्ना नाल रब ने मुहब्बत दा वादा कीता है ओ जिन्ना दे नाल अज मेरे दोस्त असी मर जाइए कुल 10वें तो बाद साल तो बाद लोकी कब्रां दे निशान भुल जांदे लोकी कब्रां दे निशान भुल जांदे पर सदके जावा ओ कैसीयां जिंदगियां गुजारियां इन्हां लोकां ने अज 1500 साल बीत गए ने उहनां दीआं कब्रां भी चमकदियां ने उहनां दे नाम भी चमकदे ने उहनां दे किरदार भी मेरे दोस्तों ए हाल सी उन्हें मेरे आका दे गुलामा दा मेरे आका दे गुलामा दा ते कैसा दौर सी ओ कैसा हसीन दौर सी ते मेरे दोस्त अज जदों गरीब रोंदा है
गरीब रोता है ते नबी दा दीन भी रोता है, मेरे आका दा दीन भी रोता है। मियां साहब कहते दीन नबी दा ओ वाक यतीमा ओ रोवे ते कुरना वे ओ कित्थो लियावा मैं उमर बगादर ओ जड़ा रो ते अनू गलला मेरे दोस्त आज जी दो गरीब जो गरीब दे बच्चे नु स्कूल जाना मदरसे जावन दा वक्त ना होए ते अमीर दे बच्चे आला तरीन स्कूला ते पढ़न ते रब दा दीन रोंदा है। मेरे बेले आज जी दो बोटी फोंक ते गरीब अपना अमीर सोवे ते गरीब नु सड़क ते भी जगह ना मिले गरीब नु सड़क ते उत्ते भी बेचारे नु धक्के ते ठुट्टे वचन ते फिर नबी दा दीन रोंदा है। ते जदों अदा अदा कचहरिया दे अंदर अमीर पैसे दे के अपनी मर्जी दे फैसले कराते जावल ते मेरे दो तो गरीब बेकसूर जेना करता रहे ते बेकसूर सजावा भुगतता रहे फिर नबी दा दीन रोंदा है फिर नबी दा दीन रोंदा है। और जो मेरे दोस्त अमीर दे बच्चे नीटो दा दुध पीवन खालिस दुध पीवन ते मेरे दो तो गरीब दे बच्चे नु पानी वाला भी ना मिले गरीब दा बच्चा रात को रो रो के मां कोल दुध मंग के पिलक पिलक के रात गुजार देवे ते फिर नबी दा दीन रोंदा है फिर नबी दा दीन रोंदा है। और जो अमीर आला तरीन इमारत दे अंदर नर ते झोपड़ी वाले नु झोपड़ी लाण वास्ते भी जगह ना मिले ते फिर नबी दा दीन रोंदा है। और मेरे बेली अज तो पुट्टे बाप नु जवान बच्चा चौक ते खला के यारा दे सामने पिस्त करदा है यारा दे सामने बाप दी तौहीन करदा है फिर नबी दा दीन रोंदा है फिर नबी दा दीन रोंदा है। कि जो बीवी दे अखे लग के ए पुत्र शादी तो बाद मां नु बीवी दे सामने चिड़कियां देंदा है मां नु झूठा करदा है ओ मां नु धक्के मारदा है फिर नबी दा दीन रोंदा है नबी दा दीन रोंदा है। ओ मेरे बेले आओ ओ जी तो गरीब दा बच्चा गरीब दे बच्चे नु खाना ना मिले तेरे तो तू अमीर दा बच्चा गोल्डन शेप लेके ते गली दे अंदर एक चक लगा के ते नाली ते सट दे वे ते फिर गरीब दा बच्चा भी रोंदा है फिर नबी दा दीन भी रोंदा है। ओ मेरे बेलियो अज तो साडे दस्तरखाना ते सत सत किस्म दे खाने एक अफतारी वेले एक सहरी वेले गोवल ते गरीब दे घर पानी भी मीठा ना गोवे ते गरीब दे घर आटा रोटी पकावन वास्ते भी ना गोवे ते फिर नबी दा दीन रोंदा है फिर नबी दा दीन रोंदा ए दीन नबी दा वाक यतीमा ए रोवे ते कुरला वे ਦਾ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਬੈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਲਬੈ ਲਬੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਵੀ ਨਾਰਾ ਕਰ ਲਬੈ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਰੇ लबई हाथ बुलंद करके जिदे इदा ईमान है हाथ मनु रब ने मुस्तफा दे जिक्र वाद देते ने हाथ बुलंद करके दिल ला के कहे लबई किया लबई किया लबई किया लबई किया लबई किया लबई किया ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह तुहाडे हाथां नूं सलामत रखे अल्लाह किसे दुनियादार दा तुहाडे हाथां नूं मोहताज ना करे जिहड़े नबी दे नाम ते बोलदे हो अल्लाह मरदे वक्त नबी दे नाम दा कलमा नसीब करे यार तुहानूं सीना ठर गया अल्लाह तुहानूं हयातियां देवे किसे लोड़ दी थोड़ ना मेरे भाइयां नूं रवे सदा तुहाडे डेरे वास्ते रहन बाग लगे रहन तुहाडियां बूटियां ते बुलबुलां चहकदियां रहन ते हर भुखा खांदा जाए अल्लाह ताला किसे शय दी कमी ना देवे। दोस्तों मुसलमानी
رحم دلی دا نام ہے مسلمانی حضور دے دی امت دے نال پیار کرن دا نام ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جڑی شے تو اپنے واسطے پسند کرے تے اپنے بھرا واسطے چیز پسند نہ کرے فرمایا میرے نال تیرا کوئی تعلق نہیں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جڑا اپنے واسطے چنگی شے لبے جے کسے نو دین دی واری تے رہن گود نا اے معیار نہیں مسلمانی دا مسلمان دا معیار معیار کہ مسلمان اللہ دی راہ تے او چیز جندا ہے جڑی اونوں اپنے تو زیادہ پیاری لگدی اے عید آ رہی ہے اس عید دے اندر احساس کرو ماڑیا بندیاں دا سب تو پہلے اپنے جڑے قریبی تواڈے رشتہ دار نے نا ماپیو جمی بہن چاچے کا پتر ہے چاہے دور ہے رابطہ کوئی نہیں فون سے کوئی آن جان نہیں کیونکہ ماڑے بندے کو جانے فرمایا یتیم دے سر تے شفقت نال ہاتھ رکھ دینا میں جننے وال ہاتھ دے تھلے آ جان اللہ انہیں گناہ معاف کر چھڑ دے پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ انج کرنا ہے یتیم دی کدی دل نہیں دکھانا یتیم دا کدی دل نہیں دکھانا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دا دھیان رکھو غریب پھر یتیماں تو بعد فرمایا والمساکین جڑے غریب لوگ نے اپنے ہمسائے ویکھو اپنے ہمسائے ویکھو پھر اگر کوئی حاجت مند بندہ تواڈے کول آ جاندا ہے کوشش کرو اپنے آپ نوں کسر لگ جائے لیکن اگلا بندہ خالی نہ جائے اینو کہندے نے ویوت سرون اعلی بڑے بڑا الحمدللہ میرے دماغ موجود بڑا ایماندار درجہ ہے کہ خود حاجت ہو کے اگلے نوں پیش کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے اکثر اسی اکثر کے اپنی مقدار رکھ کے دوسری وافر چیز اسی اللہ دی راہ دینے ہیں کہ یہ اعلی معیار ہے جڑا اشار کرنا اپنے کول اپنے اپ نوں ضرور اگلے نوں دیشڑنا اس واسطے فطرانہ فی کس بندے دا میں پیچھے بھی اعلان کیتا سی کم از کم 220 روپے کر لو 200 بھی کر دینے پے لیکن آٹے دا یا گندم دا جو ریٹ ہے اس حساب دے نال کوشش کرو کہ فی کس 200 تو گھٹ نہ ہوے تے اے جڑے صاحب ثروت لوگ نے او اگر آٹا یا دی قیمت نہیں تو اپنے کپڑے یا جو بھی سلسلہ کرنا ہے وہ کر لیا جائے ہاں اگر نماز عید تو بعد بھی رہ گیا تو بعد بھی دیتا جا سکتا ہے لیکن سنت طریقہ ہے یہ کہ نماز عید تو پہلے پہلے جڑا نا فطرانہ ادا کر دے وہ